गोरखपुर मंडल के आयुक्त जयंत नालिकर का भी तबादला होने के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कुमार एनजी को गोरखपुर मंडल का आयुक्त बनाया गया। प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव रहे रवि कुमार एनजी को गोरखपुर मंडल के कमिश्नर पद का दायित्व सौंपा गया है। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे 2004 बैच के आईएएस रवि कुमार एनजी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वरिष्ठ आईएएस रवि कुमार एनजी इससे पहले गोरखपुर में करीब 2.5 वर्ष तक जिलाधिकारी पद पर कार्य कर चुके हैं। कमिश्नर कार्यालय में पदभार ग्रहण करने पहुंचे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कुमार एनजी का एडिशनल कमिश्नर अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प देकर स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने कहा कि कमिश्नर पद पर ज्वाइन करने से पहले जनपद में जिलाधिकारी पद पर कार्य कर चुका हूं, जिसकी वजह से मुझे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी है। मंडल में कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के साथ कार्यों के समय के साथ पूरा कराया जाएगा। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रोकथाम के साथ मंडल में ऑक्सीजन प्लांट के साथ कोविड अस्पतालों को मरीजों के लिए शुरुआत कराया जाएगा। इस मौके पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित कमिश्नर रेट के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा, अभी डीएम साहब डीएम साहब बात है, मेरा बात कर सकते सर, मेरा बात करो इधर तो मैं हाँ निकालेंगे तो आप करेंगे मैं आज चार्ज डिविजनल कमिश्नर की चार्ज लिया हूँ, तो क्योंकि मैं गोरखपुर में पहले जिलाधिकारी के रूप में यहाँ पे 2012 से लेकर के 14 के बीच में काम किया हूँ, तो यहाँ की जो स्थिति है और भौगोलिक स्थिति और जो यहाँ की सामाजिक स्थिति है सबसे परिचित भी हूँ। तो इसी को लेकर के जो आने वाले दिन में है हम लोगों के लिए जो सरकार के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसका अक्षरा पालन करने के लिए हम प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। सर, कोरोना काल चल रहा है, इसमें कमिश्नर साहब जनपद के नोडल अधिकारी इसके बारे में कई चुनौतियाँ तैयारियाँ के साथ नहीं बिल्कुल है। हम लोगों ने अभी जो सेकेंड वेव में जो बहुत परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ा, पूरे देश को इसको झेलना पड़ा है, इसको लेकर के हम लोगों के अंदर अगले जो भी तैयारियाँ है जो ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर के हो या मेडिसिन को लेकर के है उसमें जो काम करना है हमने उसमें तैयारी करेंगे और उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम हमारा चल रही
हुई है उसमें हम 100% किस तरीके से हम लोग किया जाए उसमें जो भी है अभी सभी जिलाधिकारी उनके साथ बात करके फिर हम आगे की एक प्लान के तरफ से हम लोग चलने के लिए प्रयास करेंगे।